अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है मैं ब्लॉग करने जा रही हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत सारी स्ट्रीट शॉपिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड दिस इज़ माई लुक एंड मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ऐसे लुक में ही जा रही हूँ, नकाब पहन के। एंड या इन इग्नोर माई बैकग्राउंड प्लीज़, दिस इज़ माई स्मॉल टाइनी हाउस एंड मैं यहाँ पे मेरी मम्मी का वेट कर रही हूँ। और ये मेरा देखो भाई तो ये देखो, ये इसका हटाओ, इसको कट करो, कट कट। सो यहाँ पे मेरी मम्मी आई है एंड मम्मी हाय करो। सो गाइज, मैंने थोड़ा सा ट्रैवलिंग का भी व्लॉग ले लिया एंड ड्यू टू फ्रीवे बहुत इजी हो गया है बॉम्बे जाना। बॉम्बे हम लोग मोहम्मद अली रोड वो साइड को बोलते हैं, ये जो पूरा है इसको हम लोग मुंबई कहते हैं। एंड या फिर हम लोग उतरे एंड यहाँ आजू बाजू बहुत सारी मुस्लिम्स होम डेकोर या हज के सामान या उमरा के सामान जिसे लेने होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्रेम्स लाइक स्कार्फ्स, टोपी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उमरा वो सब के लिए मिलती है। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे एक लेदर का ओरिजिनल लेदर का भी शॉप था। फिर यहाँ पे एक बुक स्टोर थी, बहुत पुरानी बुक स्टोर, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिलती है, दीन इस्लाम की भी बुक्स मिलती है एंड बहुत सारी कहानियों की बुक्स मिलती है। एंड मुंबई बॉम्बे इज़ फेमस फॉर परफ्यूम्स इत्र एंड या सो यहाँ पे मैं हम लोग आए एंड यहाँ पे एक एक्सेसरी की शॉप थी, नॉर्मली एक्सेसरीज की शॉप थी, बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड इंस्टाग्राम पे ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ की मिलती थी। सो मैंने यहाँ पे गई, मैंने ये उठाया। ये कितना है भाई? ये कितने का है? सो गाइस, जैसे कि आप लोग सुने हो कि मैं जब वो भैया ने बोला कि वो 100 रुपीज़ का है और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, मैंने बहुत सारे शॉप्स में देखा है, तो मुझे ये चाहिए था। एंड यहाँ पे तीन हुप्स के सेट थे और तीन स्टड्स थे। यहाँ पे ये तीन रिंग के सेट्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, ये ट्रेडिशनल लुक पे बहुत अच्छे से जाते थे। एंड जब मैंने प्राइस पूछा, ये सब रिंग्स कितने के? ये रिंग 50 की रहेगी, पूरा सेट रहेगा 50 की, तीन सेट। सो गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का था और मैंने इसका जूम से नहीं लिया पिक्चर, बट ये बहुत ज़्यादा ऑसम था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक पे जाता था, बट मैंने नहीं लिया किसी कारण, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल टाइप नहीं चाहिए था। मैंने फिर ये वाला लिया क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे टाइप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम जब आगे गए तो यहाँ पे बहुत सारे पर्स, स्लिंग्स, बैग्स बहुत सारे आ गए। ये अंकल जो है, ये वाला जो बैग है आप लोग देख रहे हो ब्रॉन्ज टाइप, तो ये 150 रुपीज़ का था जो कि मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड इसके आगे भी आप लोग को बहुत बहुत सस्ते सस्ते, ये जो इधर आप लोग देख रहे हो ये 60 रुपीज़ का है बैग्स। एंड फिर आगे जो जो स्काई बैग्स है वो थोड़े से महंगे थे, बट ये जो है इधर जो पड़े हुए थे वो 60 रुपीज़ के थे। यहाँ वाले जो सारे बैग्स थे ये 100 रुपीज़ के थे। एंड यहाँ पे खिलौने जो कि कोई लेता तो है नहीं, हम लड़कियाँ वैसे। एंड फिर आगे वाले भी जो बैग्स थे गाइस, ये भी 100 रुपीज़ के ही थे। सो इट वाज सो ये वाला बताओ ना, ये ब्लैक वाला 100 रुपीज़। मेरे को ये भी 100 रुपये का ले ले ले, 100 रुपये। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत औसम बैग्स थे, स्लिंग बैग्स थे और
गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे एंड मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इसकी क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड रेट वाइज तो ऑफकोर्स दे आर अफोर्डेबल। 100 rupees का क्या ही मिल सकता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ एंड कलर्स भी थे। और मैंने ना ये लेने वाली थी, मैं एक्चुअली में मुझे लेना ही था, बट मैंने सोचा कि ना मैं आगे जाके भी देखती हूँ कभी इससे भी सस्ता मिल गया तो मैंने उसी चक्कर में किया। और ये मार्केट जो है हर सैटरडे लगती है और ये चक्कर में मेरी ही लाल हो गई क्योंकि आगे और कोई मार्केट बैग्स की लगी ही नहीं थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड 50 50 50 50 50 50। तो ये अंकल ने अपने सारे पर्स जो थे 50 rupees के स्लिंग बैग्स बेच रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे एंड आई सजेस्ट टू बाय। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे स्ट्रीट पे थोड़ी कुर्तीज़ वुर्तीज़ लगी हुई थी। ये भी, ये कितने का है? जो मुका है ये आपका है ना। सो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज़ लगी हुई थी जो अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली मिलती है एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वेराइटीज़ थे एंड ट्रस्ट मी इसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे एंड इसका रेट सुनोगे आप लोग तो बोलोगे बहुत ही बढ़िया है। एंड इसका रेट था 1000 rupees। सबसे ज़्यादा मुझे कुछ कलर जो है और डिज़ाइन जो है मुझे पसंद आया वो ये वाला था, मुझे इतना पसंद आया बट मैंने अपना एक बजट बना के आई थी एंड फिर हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि मैंने नहीं लिया वो। उसके बाद हम लोग गए स्लीपर की दुकान पे एंड यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्लीपर्स थी जो कि 250 rupees की थी एंड बहुत स्टाइलिश इन वैसी पैटर्न की थी। पैर डायरेक्ट घुसने वाले का माल है, लोकल का नहीं है, का माल है। ये कैसा दे भाई? 250 rupees का बाबू। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये सारी स्लीपर्स 250 rupees की थी और इसके जो बाजू वाले अंकल ने लगाए थे वो 150 rupees के सारी स्लीपर्स और सैंडल्स बेच रहे थे। ये सलमान और उस्मान मिठाई वाले के सामने ये लोग ने अपना लगाए थे जो भी है दुकान। उसके बाद हम गए स्टॉल खाना खाने बिकॉज वी आर सो हंग्री वाइल शॉपिंग। सो हम लोग ने पेट भर के पूजा पेट किया। उसके बाद हमें जब निकले तो यहाँ पे एक स्टॉल की दुकान थी तो स्टॉल की दुकान पे वी आर लाइक अट्रैक्ट बिकॉज वी ऑलवेज लव टू वेयर स्टॉल्स अट्रैक्टिव स्टॉल्स। एंड गाइस आप लोग ने जैसे सुना होगा ये 150 वाले स्टॉल्स थे जो कि 100 rupees में मिल रहे थे बट मेरी मम्मी को ब्लैक चाहिए था एंड ब्लैक में ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं थी तो हमने नहीं लिया। एंड आगे जाके भी बहुत अच्छे अच्छे स्लीपर्स की दुकान थी एंड बार्गिंग करो तो अच्छे रेट्स में मिल जाती है हील्स वगैरह। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी ब्राइडल वेयर की भी दुकान है गाइस, बहुत अच्छा अच्छी है। मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज यू नो मुझे एक मिशन था मेरा जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊँगी मैं क्या लेने के लिए आई थी मार्केट पर। एंड यहाँ पे भी सारा मतलब मोहम्मद अली रोड में बहुत सारा मार्केट लगा हुआ था। तो अभी फिर हम लोग आगे गए तो यहाँ पे एक नाखुदा मोहल्ला, इस लाइन को बोलते हैं नाखुदा मोहल्ला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट्स ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा मिलती है एंड बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम यहाँ पे सूट्स ही मिलता है। एंड यहाँ पे जब हम लोग आगे गए तो हमें एक शॉप दिखी जिसके बारे में मैं आप लोग को आगे बताती हूँ बट वो लाइक सो ये वाली शॉप थी जिसके बारे में बात कर रही हूँ। ये अंकल जो है प्लाजो और कुर्ती सेट बेच रहे थे एंड गाउन भी बेच रहे थे और मुझे बहुत पसंद आया और मैं वॉज लाइक यार कितनी मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब प्लाजो के साथ मिल रहा है तो क्या ही बात हो यार। और किसी किसी में तो दुपट्टे भी थे और किसी किसी में प्लाजो सेट और वो कुर्ती सेट था और ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी पर्सनली।
एंड ये जो वाइट वाला है ये भी बहुत अच्छा था, पूरा फुल था गाउन टाइप, तो ये भी मुझे पसंद आया बट मैंने नहीं लिया, फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। फिर हम लोग नाखुदा मोहल्ला से निकले और नाखुदा मोहल्ला में हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग गए मंगलदास मार्केट, या सो ये है मंगलदास मार्केट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जिसे बिजनेस करना है लाइक स्मॉल बिजनेस और शॉप वाला बिजनेस, उसके लिए है ये, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो होलसेल में मिलती है। जैसे यहाँ पे एक्सेसरीज़ है होलसेल वाला, यहाँ पे मेकअप का है पूरा होलसेल का, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है गाइस। ज्वेलरीज़ का बहुत ज़्यादा है और रूम डेकोर का दुकान भी बहुत ज़्यादा है, जो अमेज़ॉन पे और बहुत सारे वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मिलते हैं शो पीस, तो यहाँ पे बहुत चीपर प्राइस में थे। सो आप लोग एक्सप्लोर करो तो आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर हम लोग यहाँ पे आगे चल के हमें एक ठेला मिला जहाँ पे ये जो एक्सेसरीज थी ये 20 रुपीज़ की थी सिर्फ एक्सेसरीज, लाइक ईयरिंग्स, लाइक जो कड़ा होता है वो, एंड एक्सेप्ट नेकलेस जो था वो 50 रुपीज़ का था, बट मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया इसमें से। मतलब मैंने सोचा कि मैं क्यों लूँ, मतलब 20 रुपीज़ का भी मैं 20 रुपीज़ भी क्यों वेस्ट करूँ जब मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। सो या मैंने देखा बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं लिया, एंड मेरी मम्मी को ब्रेसलेट्स पसंद आया तो मम्मी ने ले लिया, और मुझे इतना कुछ नहीं अच्छा लगा। बट 20 रुपीज़ का क्या ही मिल सकता है यार, किसी को गिफ्ट दे तो 20 रुपीज़ में सामने वाला खुश तो हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे भी मतलब ऐसा मिल जाती है, साइड में देखना पड़ता है बस आँखों से कि हाँ कहाँ क्या कितने रुपीज़ का मिल रहा है। और ये वाले मतलब मार्केट में ना सारे मैक्सिमम होलसेल की ही दुकान थी, किसी को बिजनेस करना हो किसी को क्या करना हो तो यहाँ से करो, बहुत अच्छी है। बहुत सारी जो कोरियन जो अभी आजकल इंस्टाग्राम पे मिल रही है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो और सोल्ड भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एक नया सा पेज बना के, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे बहुत सारे मेकअप्स के भी बहुत सारे सामान है, और ये आप लोग देख सकते हो बेरा ब्यूटी जो मेकअप का होलसेल है, और आजकल तो मेकअप का भी इंस्टाग्राम पे इतना चला है इंस्टाग्राम पेज पे कि क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे ना एडी डायमंड की एक्सेसरीज़ का भी होलसेल मार्केट है, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट है गाइस। अगर किसी को भी लाइक यहाँ पे करना है बिजनेस तो आप लोग आओ प्लीज़ और यहीं से लो सामान। एंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ज्वेलरी, यहाँ पे सारे क्लोथिंग्स ही मिलते हैं। खराब तो नहीं होगा जल्दी, सही नहीं है। तो गाइस थोड़ी सी बार्गिंग करने के बाद ये जो लाइटिंग वाली बॉटल है हमें ये 50 रुपीज़ की मिली, तो हमने दो लिया 100 रुपीज़ का। और भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एंड ये था मेरा Part 1। एंड Part 2 में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है, क्योंकि मैंने जो जो सामान लिए ना गाइस मैंने उसका वीडियो नहीं निकाला था, और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे होलसेल की दुकान और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बाय बाय।